खुफिया एजेंसी वालों अलर्ट जारी, जम्मू कश्मीर से पंजाब पाकिस्तान करवा सकता है दहशतगर्दी हमला। सूत्रा मुताबिक भारत में दाखिल हो चुके ने चार दहशतगर्द, बमियाल के रस्ते हथियार पहुंचाने की फिराक में आईएसआई। पंजाब कैबिनेट की आज होगी अहम बैठक, आगामी बजट, किसानी मसले, माइनिंग के मामले को लेकर हो सकती है चर्चा, लाए जा सकते हैं कई अहम फैसले। कैप्टन सरकार वालों किसानों की कर्ज माफी लिए बनाई गई 3 मैंबरी कमेटी अगले 8 दिनों में सौंप सकती है मुढ़ली रिपोर्ट। कमेटी मुखी टी हक मुताबिक किसानों की कर्ज माफी को लेकर अगले 8 दिनों में किया जाएगा पंजाब दौरा। दिल्ली में कमेटी की तीजी बैठक हुई जिस विच सहकारी बैंकों से प्राइवेट बैंकों को कर्जे के अंकड़े मंगवाए गए, चर्चा की गई। नवजोत सिंह सिद्धू ने राणा कुजीत मामले में किया जांच चल रही है तो उस नतीजे तो बाद कैप्टन साहब फैसला लैंड किया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा इस फाइल के मुद्दे से हरियाणा ते पंजाब नूं मिल के हल करना चाहिए। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस फाइल के मुद्दे से कहा कि अमरिंदर रहे ना रहे पर फैसला साढ़े खिलाफ आया तो इस फाइल मसला कौमी समस्या बन जाएगा। इस वाल से कैबिनेट मंत्री अनिल विज का कैप्टन से पलटवार किया, गैर जिम्मेदार ने कैप्टन, ना ही कैप्टन सीएम रहेंगे और ना ही इस वाल का मुद्दा रहेगा। कैप्टन सरकार का होनहार विद्यार्थियों को तोहफा, 10वीं से 12वीं जमात 60% तो बाद मार्क्स लिया वाले विद्यार्थियों लिए फीस मुआफी दायरा। मुख्यमंत्री वजीफा योजना के तहत 10वीं ते 12वीं के होनहार विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा, 60 to 70% नंबर हासिल करने वालों की 70% कॉलेज फीस मुआफ, 70 to 80% अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों की 80% फीस होगी मुआफ, 80 to 90% अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों की 90% फीस मुआफ होगी, 100% अंक लियाने वाले विद्यार्थियों की 100% फीस मुआफ होगी। मजीठा हल्के के बग्गा पिंड हुई दलित परिवार के नाल कुटमार मामले में पंजाब पुलिस ने SC ST कमिशन अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पिंड पिछले दिन दलित कश्मीर सिंह के उसके परिवार के नाल कुटमार हुई थी। कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाबी सभ्याचार को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन कैंपेनिंग शुरू करने बारे जानकारी दी। बीजेपी जनरल सकत्तर अनिल जैन फरीदाबाद में अज गिनवाउणगे मोदी सरकार के 3 साल दीआं उपलब्धियां। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के प्रधान अशोक तंवर ते CP जोशी खोलणगे मोदी सरकार की पोल। बीजेपी सरकार के 3 वर्यां का लेखा जोखा लोगों तक पहुंचाने के लिए 600 जिलों में 900 थावां ते प्रोग्राम होणगे, यह जानकारी अनिल जैन ने। शिमला नगर निगम के लिए भरे गए नॉमीनेशन की छटनी हुई शुरू, 8 जून नाम वापसी का आखिरी दिन, तेज होया चोण प्रचार। GST लागू होने जिहड़ा है इस तो पहला लगी डिस्काउंट की भरमार, इलैक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स से मिल रहे हैं 40% के डिस्काउंट, TV फ्रिज वाशिंग मशीन AC से रिटेलर्स दे रहे हैं बंपर डिस्काउंट। कश्मीर में दहशतगर्दा ने जारी किया चेतावनी का वीडियो, कुड़ियां जीन्स ना पाउण ते पार्क में ना घूमण की धमकी, फतवा ना मनण ते तेजाब हमले ते हाथ वड्डण की चेतावनी। हरियाणा पुलिस हाईटैक होने जा रही है, हरियाणा दी शिकायतां लई हरियाणा पुलिस हुण डायल 100 प्रोग्राम तहत नवा सेंटर खोलण जा रही है। संगरूर पुलिस ने चेन स्नैचर गिरोह के मैंबर किए गिरफ्तार, CCTV जरिए की चेन स्नैचर की गिरफ्तारी, संगरूर के कारोबारियों ने मिलकर अपने खर्चे से लवाए सन शहर अंदर CCTV। गुरुग्राम गैंगरेप मामले में 3 मुलजमान के स्केच जारी, CCTV फुटेज तो खुलासे की उम्मीद। अंबाला के हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में जिमनास्टिक कैंप दौरान अचानक 8 खिलाड़ियों की बिगड़ी हालत, 6 महिला खिलाड़ियां हुई बेहोश, हस्पताल जाके आए होश खिलाड़ियों मुताबिक सहूलतों की घाट से माड़ी डाइट करके बिगड़े हालात। मनाली में टैक्सी यूनियन ते प्रशासन विचाले समझौता खत्म हुई हड़ताल। शिमला में 5 दिनी समर फेस्ट की समाप्ति, सूफी गीतों के नाम रही आखिरी शाम। उत्तर भारत में पै रही गर्मी ने जीना मुहाल किया, लोग बेहाल हुए।
इस साल 96% की जगह 98% रवेगा मी ते मौसम विभाग ने अपग्रेड किया मौसम दा मानसून दा अनुमान।